बिहार की राजनीति से एक बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, वो है नीतीश कुमार के फैसले से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है तो सवालों का गोल मोल जवाब दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद वो सही समय अब आने वाला है। एक तरफ जहाँ लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि 18 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कोई बड़ा फैसला लेगी, आरसीपी सिंह के साथ संबंधों को लेकर के निश्चित रूप से असमंजस की स्थिति में नीतीश कुमार को कई तरह के बयान डाल दिए हैं, कयासों का बाजार गर्म है कि कौन नीतीश कुमार के साथ आगे चलेगा या किसे नीतीश कुमार छोड़ेंगे। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी कयास जो है वो ये कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। इन सारे कयासों में नीतीश कुमार की चुप्पी सबको परेशान किए हुए है और नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और बिहार का भविष्य टिका हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे उनके फैसले पर टिका हुआ है जदयू का भी भविष्य, जदयू में को लेकर के और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उन बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का फैसला सबको इंतजार है, यहाँ तक कि जदयू के नेताओं को, कई नेताओं को इंतजार है। जदयू के 16 सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में भी हैं, हाल फिलहाल में भी राज्यसभा में एक सांसद उनके अनिल हेगड़े भेजे गए हैं। इन सब को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। नीतीश कुमार का फैसला यदि मोदी मंत्रिमंडल में अपने जदयू से किसी को शामिल कराने का होता है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए मजबूर हैं या फिर तैयार हैं। दो ही बातें हो सकती है क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को मजबूर बता रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, अनिल हेगड़े का नाम इस पूरे वाक्य में चल रहा है कि अनिल हेगड़े को दोबारा नीतीश कुमार की तरफ से तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा भी कई नाम हैं, खास करके लौकुश समीकरण में यदि आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार को आगे संबंध नहीं रहना है तो संतोष कुशवाहा केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही भूमिहारों की नाराज़गी जिस तरह से देखने को मिली है और जिस तरह से भूमिहारों को साधने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जोड़ी पिछड़ गई है, बोचहा में इसका परिणाम देखने को मिला, उन सारी चीज़ों को लेकर के ललन सिंह का नाम भी सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जीतन राम मांझी ने जो बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। केंद्र की राजनीति में अगर गए तो क्या वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना होगा और बिहार से टाटा बाय बाय करना होगा तो एक पॉजिटिव नोट पर करेंगे। और इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता सौंप करके नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएं और पार्टी के साथ साथ अपने प्रतिष्ठा को भी बचा लें, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार अगर इधर उधर किए तो उनकी पार्टी भी बिखर जाएगी। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो विधायकों को अपने पाले में ला करके सरकार बनाने की कोशिश करें और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नीतीश कुमार का फैसला तेजस्वी यादव के तरफ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा बिहार में फिर से अपने आप को टिका के रखने का। बड़े विपक्ष के दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी रह सकती है लेकिन एक राज्य से उसका सरकार समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के फैसले पर टिका है भाजपा और तेजस्वी दोनों का भविष्य, इसके साथ साथ जदयू के नेताओं का भी भविष्य नीतीश कुमार के फैसले पर टिका है और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जब ये चुप्पी टूटेगी तो बहुत कुछ सैलाब की तरह बहा करके ले जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167600। धन्यवाद।